तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब सरसों के भाव में भी नजर आने लगा है। सरसों के दाम में अचानक 600 से 800 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अलवर मंडी में प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा कट्टों की आवक हो रही है। अलवर क्षेत्र में 12 से अधिक तेल मिल है। अलवर से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में विदेश में तेल भेजा जाता है। इस बार बेहतर बारिश होने से सरसों की बंपर आवक हुई, लेकिन अच्छे दाम नहीं मिलने के कारण किसानों ने सरसों का घर में ही स्टॉक कर लिया था, जिसके चलते तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई, जो लंबे समय के इंतजार के बाद अब किसान को राहत मिलती नजर आई। मंडी समिति के पदाधिकारियों व व्यापारियों का कहना है कि बीते 10 दिनों से सरसों के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। पहले 4600 व 4800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही थी, लेकिन अचानक सरसों के भाव में बढ़ोतरी हुई। इस समय सरसों 5400 से 5600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। ऐसे में सरसों के दाम में 600 से 800 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब सरसों बेचने के लिए किसान मंडी पहुंचने लगे हैं। प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा कट्टे की मंडी में आवक हो रही है। अलवर मंडी में सीजन के समय 50,000 कट्टे बिकने के लिए मंडी में पहुंचते हैं। मंडी में सरसों की अराइवल बहुत अच्छी आ रही है। 10-12-15 दिन से बाजारों का रुख एक दफे थोड़ा सा तेजी की और तरफ है। नीचे में जो 4700-4800 रुपए क्विंटल सरसों बिकती थी, उसका भाव आज 5400-5500 रुपए है। बाजारों में 600-700 रुपए सरसों बढ़ने से आव के भी बाजार में बढ़ी है। जो 4-5 हजार कट्टे की अराइवल थी, आज कल 15,000, सैटरडे को 15,000 कट्टे की थी, आज 12-13 हजार कट्टे की आमदनी है। कंटिन्यू भाव बढ़ते हैं तो बाजार में आमद भी आती है और माल भी बिकता है। ऐसा आभास होता है कि बाजार धीरे धीरे करके थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो बाजार में थोड़ा बहुत अच्छा किसानों को पैसा मिल रहा है। इस हिसाब से किसान माल भी लाना शुरू किया है, तो मंडी में आवते अच्छे होने से मंडी में रौनक है थोड़ा सा। ऐसा यहाँ 15,000 कट्टे की अराइवल है और अराइवल धीरे धीरे करके और अगर भाव बढ़ता रहा तो धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। किसान इस वक्त थोड़ा खुश हुआ है कि भाई काफी नीचे भावों से 500-600 रुपए बाजार में बढ़ गया है, और 100-200 बढ़ जाता है तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, माल की आवकें और चालू हो जाएगी। और भगवान ने बारिश भी अच्छी की है इस साल, बिजाई सब चीजों की अच्छी हुई है। किसान ऐसा चाहता है कि भाई जो है बारिश और बीच में एक आध दो अच्छी हो जाए, तो बाजरे की फसल, कपास की फसल और दूसरी जिनसे ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाए, किसान बड़ा बढ़िया हो जाएगा। भाव का कोई सवाल नहीं है, भाव थोड़ा कमती ज्यादा भी रहे तो चलेगा, लेकिन पैदावार बढ़िया हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। किसान भी ऐसा मन बना के बैठा है कि कुदरत इस साल तो सुनेगी।